जिहाद करवांदे ने ते फिर उन्हां दा धर्मांतर कीता जांदा है। मैं इत्थे बैठे सभी अपने योद्धियां नूं सारे वीर तो ज्यादा साडी शिव सेना टकसाली नाल जुड़ो, इस ध्वज दे थल्ले आ जाओ। मैनू भी थोड़ा ही टाइम होया पर मैं हिंदू तो पुराना है, जड़ियां वाजा ढिड च तक पहुंचियां ने। मैं तुहाडे अगे भी गुजारिश करदा है ज्यादा तो ज्यादा शिव सेना टकसाली नाल जुड़ो, इन्ना ना लगेगा कि हिंदू धर्म दीआं वाजा कित्थों तक जांदियां ने। मैं तुहानूं दस देवां कि टीवी दे विच जां मीडिया विच नेता की कॉन्ट्रोवर्सी आया, नेता की कॉन्ट्रोवर्सी आया, हर एक वो गल जिहड़ी एंटी राष्ट्र होए उहदा मुद्दा उठाउंदे ने। जो पंजाब प्रभारी हैं यूथ विंग दे अते करन सैना जी अते होर सुभाष जी, अमित ग्रोवर जी, रमन भल्ला जी, जतिंदर सिंह महलकला जी, रजिंदर जोगी जी है, चाहे बिन्नी वर्मा जी है, चाहे एनी कोई परसन है, जदों किसी सरकारी दरबारे पहुंच जाते हैं ना काम वैसे ही हो जाता है। सुधीर सूरी जी के नाम से काम वैसे ही किसी अफसर की जरूरत नहीं काम रोक दे, और जिथे कितने कोई अड़ गया सूरी जी वो शख्स ने जेडे बहुत बहुत धन्यवाद जी सारे का। इतों पता लगता है जी सारे ही जिन्हें मेरे भैन भरा मेरी मावं आई ने वो दिलों प्यार कर दिया ने अपने बच्चे नू। असी जदों का अपना होश संभालिया उदों का सुनते आए हैं शिवसेना बारे, शिवसेना ज्वाइन की होश संभाल दिया, इस तो इलावा कोई पार्टी नहीं देखी असी, काम कोई भी है किसी तरह का भी है, सारे महल मेरे पूरे महल वाले इतने आए हुए हैं सब दिल्ली पहुंच जाए ताकि चंडीगढ़ ते दिल्ली च बैठे साडे हुक्मनामा नूं पता लग जाए कि पंजाब का हिंदू फिर 84 दे दौर च आ गया ते तराई तराई कर रहा। और ए ना होए कि ए गल्लां मैं क्यों कह रहा, इस गल्लां कहण दा मतलब है कि जेडे पंजाब दे नौजवान गोपाल सिंह चावला वर्गे सिख नौजवान, मैं कहना सिख नौजवान जेड़े गोपाल सिंह चावला वर्गे कुत्ते दे हत्थे चढ़ के गुरवंत सिंह पन्नू वर्गे खालिस्तान नूं प्रमोट करन वाले दे हत्थे चढ़ के पंजाब दी नौजवानी नूं बर्बाद कर रहे ने, उहदे मगर ना लगो। आतंकवाद का जिहड़ा असर है वह तुसीं पिछले दौर च देख लिया 84 दे दौर च जिहड़ा आतंकवाद है ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਬੁਰਾਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ खालिस्तान के झंडे लहराना कोई अच्छी गल नहीं है, कोई पंजाब नूं सही दिशा निर्देश नहीं दिते जा रहे। ये जिहड़ा खालिस्तान का जिहड़ा ये झंडा ये बहुत माड़ा झंडा, इसनों प्यार नाल नहीं इसनों सख्ती नाल ही कुचलिया जाए तो ता ही कुचलिया जा सकता है। हुण मेरे भरा कहणगे ये गल तुसीं क्यों आखी, इस गल का भी मैं मतलब दसदा कि पंजाब दे विच कदे बहुसंख्यक जे जुतियां ही खानियां फिर अलसंख्यक बन जाओ ते बहुसंख्यक बन के जुतियां खानियां ते, इसलिए अपने अधिकारां नूं पछाणो, अपनी ताकत पछाणो, बहुसंख्यक हो ते बहुसंख्यक
संकेत बन के दिखाओ। इस करके सारे भरावां के मेरी अपील है, हाथ जोड़ के बेनती है, जेड़ा इंसान जेड़ी पार्टी ताड़ी आवाज नू बुलंद कर दी है उस पार्टी का साथ दियो, शिवसेना टकसाली का साथ दियो, साडे हाथ मजबूत करो ताकि असी ताडे हकां दी लड़ाई लड़ सकीए, ताडी आवाज नू बुलंद कर सकीए और ताडी आवाज विधानसभा अते संसद तक पहुंचा सकीए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन मैं तुहाडे नाल तुहाडे जिन्ने भी मेरे भरा बैठे ने या जेड़े मेरी आवाज सुनदे मिले, मैं तुहाडे नाल अज वादा करदा कि जिन्नी देर सूरी दियां अखां खुलियां, सूरी दियां अखां खुलियां, किसे अतवादी की जरूरत नहीं कि तुहाडे अगे खंग जावे। उस साथ दियो शिवसेना टकसाली का साथ दियो, तुहानू मुल्ला मुक्त हिंदुस्तान देंगा। हिंदुस्तान साडा वे साडा रहना है, कारण हिंदुस्तान तो बाद सानू किसे मुल्क ने पनाह नहीं देनी। ए याद रखना, इन्हां मुसलमानां दे नाल मुल्लियां दे नाल भाईचारा बंद कर दिओ, इन्हां नाल बहना खलोना बंद कर दिओ। मैनूं पुछिया जी तुहाडी डिमांड की है, तुहानू खाना बाहरों चाहिए, मैं कहा मैनूं खाना कुछ नहीं चाहिए, मैं एक एक दो दो साल भुखा रह लैंदा, मैनूं रहण दी आदत है। उसका कारण है क्योंकि मैनू पता है जो मैं किसी के काबू आना इन्होंने मैनू मारना कुटना और मेरी रोटी भी बंद करनी है, उस चीज नू मैं पहला ही अपना अपने आप नू उसका आदि बना लिया। भारत माता की वंदे, 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 जय श्री राम। अज मीटिंग असी जोगी जी नू इत्थे अपने नुमाइंदे दे तौर ते चुनिया, मुकेरियां दे विच समाजिक काम वास्ते धर्म दे काम वास्ते जोगी जी नू मुकेरियां दे विच बिठाया गया। अक्सर शिवसेना टकसाली दी गल लगदी है कि धर्म विरोधी है, लेकिन हुण एकजुटता कीती जा रही है, सारे धर्मां नूं नाल लिआंदा जा रहा है, देखो शिवसेना टकसाली सुधीर कुमार सूरी, जयकपाल लाली, हरदीप शर्मा कोई धर्म विरोधी नहीं, कहने लोग जो मर्जी कही जान, जो साडे दफ्तर दे विच सवेर तो लैके शाम तक सरदार मुसलमान ईसाई हर जात का बंदा आके काम कराता है, उदों क्यों नहीं कोई कहता कि ये धर्म विरोधी ने। असी तो कभी किसी को धर्म नहीं पूछा, सानू तो इंसान नज़र आता है। धर्म विरोधी असी उदों हुंदे आ जदों कोई साडे धर्म नूं ललकारदा, साडे हिंदू धर्म नूं ललकारदा, उस वेले सूरी आपे तो बाहर हो जांदा, फिर असी जिहड़ी त्री मूर्ति हैगी फिर अपने आप बाहर हो गए, असी अगली कार्रवाई नूं तुर पैंदे आ। देखो पत्रकारां दे उपर परचे जिहड़े हैगे ने बिल्कुल गलत ने, तुसी चौथा स्तंभ हो साडे हिंदुस्तान दा, साडे समाज दा, आर भारत वालियां नूं वी गोस्वामी जी नूं बॉम्बे दे विच उन्हां नाल बहुत बुरा व्यवहार किया गया, मैं नखेधी भी की उन्हां दी, बहुत गलत किया, कुर्सी दे लालच दे विच बैठ के बाला साहब ठाकरे दा बेटा उद्धव ठाकरे जिन्हां नूं कुर्सी दा लालच पै गया, कुर्सी दे लालच दे विच उन्होंने अपने बाला साहब ठाकरे फादर की जिहड़ी छवि है खराब करती और बिल्कुल गलत किया। देखो किसानां दे मसले दे विच सरकार दा काम है, सरकार ने की सोचिया की सिस्टम हैगा सरकार नूं पता है, उहदे च शिवसेना टकसाली जां शिवसेना कोई भी की कर लेगी, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। जथेबंदियां वल्लों उहनां दे नाल संघर्ष साथ दित्ता गया, कोई शिवसैनिक क्यों नहीं नाल चले? शिवसैनिक नाल देखो असी सरकार दे नाल आ, सरकार ने मैं अपना सोचना, उन्हें सारियां दा सोचना, समझ लो मैं की कह रहा, मैं अपना सोचना, परमात्मा ने सारियां दा सोचना, सरकार ने सारियां दा सोचना, कल्ले किसानां दा नहीं सोचना, सरकार ने सारियां दा सोचना, जिहड़ियां जत्थेबंदियां विच जा रही हैं, कुछ कर रही हैं, अपना नाम कमा रही हैं या सिस्टम लगा रही हैं, वो मैं उन्हां बारे वाद विवाद च नहीं पैना चाहुंदा,
लेकिन असी सरकार दी जो भी सरकार ने पॉलिसी खेली है वो पॉलिसी सरकार दी गलत नहीं होंगी। सरकार ने मुल्क चलाना, मुल्क नूं बर्बाद सरकार नहीं कर सकती। देखो मैं तुहानूं अगे भी कहा कि मैं यह वाद विवाद दे विच नहीं पैना चाहता, पवांगा तो बड़ी। राष्ट्रीय चेयरमैन श्री सुधीर कुमार सूरी जी, राष्ट्रीय प्रधान जयगोपाल लाली जी, राष्ट्रीय युवा प्रधान हरदीप शर्मा जी का समुची टीम का इत्थे पहुँचण ते दिल दी गहराइयां तों स्वागत करदा। अज की जिहड़ी नियुक्ति है मेरी इहनां वल्लों राष्ट्रीय युवा चेयरमैन के तौर पर की गई है। संगठन में आने का मेरा जो मुख्य मकसद यहो ही है कि मेरे नाल जिन्ने भी युवा वर्ग के लोग जुड़े ने, महिलावां जुड़ियां ने, उन्हां दी मुसीबतां नूं देखते हुए हल करवाउण दा आश्वासन दिता गया। साडे तो बिल्कुल घंटे डेढ़ घंटे का रास्ता, असीं इहनां कोल जा सकते हैं, साडे कोल आ सकते हैं। सो पहले भी आपां इकट्ठियां काम किया, इस करके सानूं इहनां दी विचारधारा बहुत वधिया लगती है, बहुत अच्छी लगती है। इसलिए ही दिन दुगनी रात चुगनी संगठन की तरक्की की राह फड़ांगे अते बंदे वध तों वध नाल ज्वाइन करांगे। जिदा इन्होंने कहा भी जिहड़े साडे नाल की ज्वाइन करनगे उन्होंने हर पद्धर ते काम होणगे, जिहड़ा मर्जी होणगे उहदे बारे की कहना चाहुंदे? बिल्कुल जी, जे साडे प्रधान जी ने नहीं गल कही तो जरूर होएगा जी काम। यह भी हो सकता भी इन्हां तक आवाज़ जिहड़ी उह ना पहुँचाइए, अहीं कोशिश करिए भी जे साडे को दो घंटे लगते तो उस बंदे नूं चार घंटे लगाइए, ताकि साडे प्रधान जी नूं पता लगे भी अहीं बंदा नाल जोड़िया, हरेक बंदे का काम करवांदा पिया जी।